आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका इन ना बोलने का अधिकार। क्या अब हमें OTT पर देखने को मिलेगी फिल्म? क्यों ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं किया जाता? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। डायरेक्टर आर बाल की अपनी फिल्म चुप के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो मेन रोल में सनी देओल, पूजा भट्ट और दलकेर सलमान हमें इस साल बड़े पर्दे पर दिखाई दे सकते हैं। आर बाल्की की मोस्ट अवेटेड फिल्म चुप हमें जल्द बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर क्या फिल्म होगी बड़े पर्दे पर रिलीज? क्या फिल्म हुई OTT पर शिफ्ट? चलिए आपको बताते हैं। अगर हम फिल्म की बात करें तो ये फिल्म इसी साल थिएटर पर रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी लेजेंडरी एक्टर गुरु दत्त की बायोग्राफी पर बेस्ड होगी और अभी से फैंस इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आर बाल्की ने बहुत ही चालाकी से बनाई है और बहुत टाइम बाद सनी देओल भी दिखने वाले हैं इसमें बड़े पर्दे पर। फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज हो गया है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया है। फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जिससे जल्द मेकर्स रिलीज करेंगे। इसी बीच फिल्म को लेकर खबरें आ रही हैं कि फिल्म को किया जा रहा है OTT पर रिलीज। हम आपको बता दें कि इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, ना ही मेकर्स ने ये जारी किया है कि वो फिल्म को OTT पर रिलीज करने वाले हैं। अभी तक तो ये रूमर ही लग रहा है, पर अगर इसको लेके कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको ज़रूर ही बताएंगे। पर आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आ रहा होगा, क्यों बॉलीवुड नहीं करना चाहता है इस फिल्म को रिलीज़? क्या बॉलीवुड नहीं करते फिल्मों को प्रमोट? चलिए आपको बताते हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। बॉलीवुड अपने उसी कंटेंट को बार बार रिपीट करता है, जिसे देखकर अब ऑडियंस भी बोर हो गई है और उन्हें कुछ नया चाहिए, जिसकी वजह से आजकल बहुत लोग साउथ की मूवीज़ देखते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड ऐसी फिल्मों को रिलीज़ नहीं होने देता, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और मीडिया हाउसेज ने फिल्म के मोशन पोस्टर को शेयर किया है, जिससे फिल्म का प्रमोशन हो सके, क्योंकि ये फिल्म एक लेजेंडरी एक्टर पर बेस्ड है। हमारे हिसाब से ये जो न्यूज़ फैल रही है वो ऑलमोस्ट रूमर ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी हिट हो। क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।